माँ खनचोर हरी और परी दादी के गोद में बैठे थे। दादी भजन गा रही थी, सोसाइटी की औरतें भी साथ दे रही थी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। 12 बजने ही वाले हैं। दादी, कान्हा जी का नाम भी भैया की तरह हरि था? हरी गुड़िया, कान्हा जी के कई सारे नाम थे, गोपाल, हरी, कान्हा, कृष्णा, माखन चोर। माखन चोर? हाँ, कान्हा जी माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहते हैं। तभी पापा आते हैं। चलो 12 बज गए, पूजा शुरू करें। पूजा शुरू होती है और फिर पूजा समाप्त होती है। मम्मी सबको प्रसाद देती है। प्रसाद खाकर सारी औरतें अपने अपने घर चली जाती है। हरी, तू मेरे साथ किचन चल। परी, तू दादी के साथ सोने चली जा। आप भी जाइए। पापा, परी और दादी सोने के लिए चले जाते हैं। हरी मम्मी के साथ किचन में आता है। किचन में एक सजाया हुआ मटका रखा था। हरी, कल दही हंडी फोड़नी है ना, चल हम दोनों मटके में माखन भर देते हैं। मम्मी और हरी मिलकर हंडी में गोपाल काला भरते हैं। हंडी भरने के बाद मम्मी फूलों से हंडी ढक देती है और फ्रिज में रख देती है। चल अब मैं सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा, गुड नाइट। मम्मी चली जाती है। तब हरी सोचता है, मेरा नाम भी हरी है, कान्हा जी का नाम भी हरी था, कान्हा जी को माखन चोर कहते हैं, फिर मुझे क्यों कोई माखन चूर नहीं कहता। हरी के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया, अगर मैं इस हंडी में से सारा माखन चुरा लूंगा तो सब मुझे भी कान्हा जी की तरह माखन चूर कहेंगे। हरी फ्रिज खोलता है और मटका निकालता है। मटके में से सारा माखन बड़े से बर्तन में निकालता है और मटका फूलों से ढक देता है। अब ये बर्तन अपने कमरे में छिपा देता हूँ। हरी कमरे में बर्तन छिपा देता है और सो जाता है। दूसरे दिन सोसाइटी के सामने मैदान में सब इकट्ठा होते हैं। ढोल ताशे बजते हैं, हांडी लटकी हुई है। हरी और परी दादी के साथ है, बाकी बच्चे नाच रहे हैं। चलो बच्चों, बहुत हुआ नाचना, अब दही हांडी फोड़ो। पापा की बात सुनकर हरी खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। सोसाइटी के मोटे मोटे लड़के हांडी के नीचे इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए हांडी तक पहुंचते हैं। सबसे ऊपर गोलू भैया थे। गोलू भैया हांडी में हाथ डालते हैं तो हांडी एकदम खाली थी। अरे यार, अचानक गोलू का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब नीचे गिरते हैं। यह देख सब हंसने लगते हैं। माखन चुराना इतना आसान नहीं है गोलू, फिर से कोशिश करो, उठो। अरे दादी, माखन चुराने के लिए हंडी में माखन तो होना चाहिए, हंडी तो एकदम खाली है। क्या, ये कैसे हो गया? अरे कल रात ही तो मैंने हरी के साथ मिलकर हंडी भर कर रखी थी। क्यों हरी, किसने चुराया माखन? कौन है माखन चोर? दादी की बात सुनकर हरी जोर से नाचने लगता है। मैं हूँ माखन चोर, मैं हूँ माखन चोर, कहो कहो मुझे माखन चोर कहो। अरे ओ माखन चोर, ये क्या कह रहा है? दादी, कल रात मैंने सारा माखन चुरा लिया था ताकि सब मुझे भी माखन चोर कहे। यस, ये लड़का भी ना एकदम पागल है। तू माखन चोर है पर तू पगला माखन चोर है। ऐसा क्यों कहती हो दादी? पगले, कान्हा जी अकेले माखन नहीं चुराते थे, अपने दोस्तों के साथ चुराते थे और उन्हें भी खिलाते थे। तूने तो दोस्तों को नाराज कर दिया, जा और माखन लेकर आ। लाता हूँ पर एक शर्त है। क्या? दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगा। हरी, तू छोटा है अभी, अगले साल फोड़ना। कान्हा जी भी तो छोटे थे, उनके मम्मी पापा तो उन्हें नहीं रोकते थे। हरी की बात सुनकर सबको हंसी आती है।
जा माखन चोर माखन लेकर आ, हंडी भी तू ही फोड़ना। यस। हरी माखन का बर्तन लेकर आता है। मम्मी मटके में माखन डालती है। बच्चे फिर से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। सबसे ऊपर हरी होता है और हरी दही हंडी फोड़ता है। जय बोलो माखन चोर की।